तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब भले चंगे ही होंगे, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक हम आपको निराश होने भी नहीं देंगे और आपकी खुशियों का पूरा ध्यान भी रखेंगे। और इसीलिए आपके मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हमारे इस गोले पर रहने वाले नमूनों की घनघोर बकलोलियों को लेकर, जिन्हें देखकर आपके होठों पर हंसी की लहर दौड़ने लग जाएगी और आपका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लो। तो हो जाइए तैयार देखने के लिए नमूनों के कारनामे तड़ी पार। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। पहले जरा यहाँ अपनी नजर गड़ाते हैं और इन हुनरबाजों के कारनामे पर गौर फरमाते हैं। यहाँ ये खिलाड़ी बेचारा पहले ही अपनी जांघें छिलवाकर अपना इलाज होने का इंतजार कर रहा था, पर उसे मैदान से बाहर ले जाने वाले ये कलाकार लगता है उस बेचारे खिलाड़ी की तशरीफ भी तुड़वा के ही मानेंगे। बेचारा सोच रहा होगा कि भाई इतनी तकलीफ तो मुझे चोट लगने पर भी नहीं हुई थी, जितनी तकलीफ इन नमूनों ने मेरा पिछवाड़ा तोड़ के दे दी। दोस्तों अब जरा यहाँ इन चचा के इस खतरनाक कांड पर गौर करते हैं। ये चचा 70 वाला पौआ लगा के फुल टल्ली है और टल्ली होने के बाद इन्हें ख्याल आया कि इन्हें घर भी जाना है, वो भी बाइक से। और टल्ली होने के बाद शायद सब कुछ भला चंगा ही लगता है। तभी तो जब इन्होंने बाइक पर बैठने के लिए उसमें चाबी लगाकर उसके ऊपर अपनी तशरीफ को टिकाना चाहा तो कुछ ये हुआ। दोस्तों अब जरा इस हुनरबाज कुत्ते के हुनर को भी देखिए, जो कि अपने मुंह में शावर पकड़कर अपने मालिक को स्नान करवा रहा है और इसका मालिक भी शावर के नीचे मुंडी झुका के अपनी मुंडी रगड़ने में व्यस्त है। और इसी बीच इस कुत्ते ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जो इस भाई ने महसूस तो किया होगा, पर शायद इसने वैसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। शायद कुत्ते ने भी सोचा होगा कि चलो मूत देता हूँ, इस घोंचू को क्या ही पता चलेगा। दोस्तों यहाँ ये चचा बहुत ही मजे के साथ तालाब में नहा रहे थे, पर शायद इन्होंने इलाका गलत चुन लिया था। और तभी जैसे ही इस डक ने इन्हें अपने इलाके को गंदा करते हुए देखा तो वो इन चचा को सबक सिखाने तुरंत ही इनके पास आ गया, जिसके बाद चचा ने अपना कच्छा संभालते हुए वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। यहाँ ये नुन्नू फुटबॉल देखकर रोनाल्डो बनने की कोशिश कर रहा था और अपनी इस कलाकारी का वीडियो भी बना रहा था, पर बेचारा रोनाल्डो तो नहीं बन पाया लेकिन अपना पिछवाड़ा जरूर तोड़वा लिया। दोस्तों यहाँ इस ऑटो वाले ने या तो पैसे ज्यादा लिए थे या फिर ऑटो में बैठने वाले ने उसे पैसे ज्यादा दिए थे। तभी तो ऑटो वाले ने उसे स्टेशन के बाहर छोड़ना सही नहीं समझा और सीधा अपने उड़न खटोले को प्लेटफॉर्म पर ही लेकर आ पहुंचा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों कहते हैं कि बिना वजह किसी की तशरीफ में उंगली करना बहुत भारी पड़ सकता है, ये बात शायद इन चचा को पता नहीं थी। तभी तो इन्होंने शांति से खड़ी इस गाय के आगे अपने ठुमके मटकाते हुए नृत्य करने की कोशिश करने लगे, पर शायद गाय को चचा का ये नृत्य पसंद नहीं आया, तभी तो उसने इनकी मटकती हुई कमर का कचूमर बना दिया। दोस्तों
हमारी ये धरती हैवी ड्राइवर्स की कलाकारियों से भरी पड़ी है, कभी परियां तो कभी परियों के परे। यहाँ भी इस भाई ने बाइक से उतरने की तकलीफ बिल्कुल भी नहीं की और बाइक समेत सीधा घर में जा घुसा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ऐसा डांस आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा, जिसमें बेचारी बूढ़ी दादी अनचाहा स्टंट करते हुए जमीन पर जा गिरी। इन चचा का पावर देख के लगता है कि ये पक्का शिलाजीत की सब्जी खाते होंगे। दोस्तों, अगर कभी रास्ते में जाते हुए कुत्ते आपको घेर लें तो आप क्या करोगे? अगर नहीं पता तो इस भाई से सीख लो। भाई की ये कलाकारी देखकर कुत्ते भी कन्फ्यूजिया गए कि इसे चबाऊं या जाऊं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ नेताजी का स्वागत करने के लिए प्रोग्राम में आए मेहमान को बुलाते हुए प्यारे एंकर गोलमा जी का स्वागत करेगी हरकेसी। कहाँ गई हरकेसी? हरकेसी कहाँ गया वो हरकेश? मादरचोद वहाँ बैठा है। दोस्तों, यहाँ ये बेचारी पापा की परियां झूले पर झूलते हुए शायद उड़ना चाह रही थी, पर बगल में खाली उड़ रहे झूले से उनकी ये उड़ान देखी नहीं गई और उसने इन परियों का कुछ ये हाल कर डाला। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोस्तों, यहाँ जब रिपोर्टर ने इन हैवी कलाकारों से इनका पसंदीदा रंग पूछा तो फिर इस भाई ने जो जवाब दिया सुनकर बगल वाली परी भी शर्मा गई। सिल्वर ब्लू, आई लाइक एवरीथिंग ब्लू, लाइक ड्रेस, मूवी। नहीं नहीं रहा नहीं जाता। दोस्तों, यहाँ ये तीन नमूने बेचारे इस बाइक की तशरीफ का कचूमर बनाते हुए उसे इस ऊंचाई पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब बाइक को लगा कि इन नमूनों की हरकतें उसका दम तोड़ के ही मानेंगी तो फिर बाइक ने भी इनका पिछवाड़ा तोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, यहाँ ये भाई साहब मटका फोड़ने की तैयारी में हैं और फिर जैसे ही इन्होंने डंडे मारकर मटके को फोड़ा तो फिर मटके ने भी तुरंत ही अपना बदला ले लिया और उसने भी इन भाई साहब का टकला फोड़ना ही उचित समझा। दोस्तों, यहाँ ये मोटा भाई अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए गाना गा रहे हैं जो इन्हें छोड़ के चली गई है। Hey guys, ये गाना मैंने अपने एक्स के लिए लिखा है। I hope you guys will like it. Thank you. क्या बात है सर। इनका ये छुपा हुआ हुनर देखकर तो लगता है कि इन्हीं हरकतों की वजह से वो कल वही बेचारे मोटा भाई को छोड़ के गई हो। दोस्तों, इंटरनेट पर परियों की कलाकारियां ऐसी छाई हुई हैं कि हमें हर रोज कहीं ना कहीं दिख ही जाती हैं। वैसे परियों को आज तक आपने जमीन पर कांड करते हुए तो बहुत बार देखा होगा, पर पापा की इन परियों को हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ते आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए हम आपकी ये तमन्ना भी पूरी किए देते हैं। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? लेकिन एक मिनट, ये तो परी के भेष में पापा का परा निकला। भाई लोग कमेंट बॉक्स में इस नमूने का स्वागत अपने सुंदर विचारों से जरूर करें। अब जरा इन चचा की हरकतें भी देखिए, जो कि सठियाने की उम्र में 70 वाला पौआ लगाकर नए नए लौंडों से कबड्डी खेलने चले हैं। पौआ के जोश में ये मैदान में तो उतर गए लेकिन बेचारे कबड्डी नहीं खेल पाए और अपने कूल्हों के छिलके अलग से उतरवा लिए। 2, 3, 4। दोस्तों, पौआ का ये पावर बस यहीं पर नहीं थमा बल्कि उसका सुरूर इन चचा तक भी पहुंच गया, जिसके बाद बेचारे चचा को ये छोटा सा स्टूल भी डबल बेड लगने लगा, जिसपे बैठे बैठे ये चचा गहरी निद्रा लेकर अपने सपनों की दुनिया में खो गए। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दोस्तों, अब जरा इस नमूने को देखिए। इस भाई ने छोटे सांड से पंगा तो ले लिया पर खुद निकल गया और बेचारे गाड़ी वाले का भारी भरकम नुकसान करवा दिया।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मजा आया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो मजेदार लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इन प्राणियों के बारे में अपने सुंदर विचार जरूर व्यक्त करें और आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रिसर्च इनवर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही पलंग तोड़ कलाकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मित्रों।